ये सलाम हिंदुस्तान को दुआ दे रही है ताकि हिंदुस्तान बर्बाद ना हो। हम वो शख्स है जो मिट्टी तले भी दफन होते हैं तो गुस्ल करके, ताकि वतन का मिट्टी नापाक ना हो। ए वेरी कूल गुड मॉर्निंग टू ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोगे उर्दू प्रोग्राम एंड डियर फ्रेंड्स एंड गेस्ट। आई एम इश्तियाक फ्रॉम सार्क इंटरनेशनल स्कूल। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया गया। मैं चंद नज्म आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गानों को हौसला चाहिए आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। मेरा दूसरा मतलब यह है कि मेरे बस में होता तो कुदरत का लिखा हुआ काटता, मेरे बस में होता तो कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। मेरे बस में होता तो कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। पानियों से ज़्यादा बहाव था तेरे लफ्ज़ में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। एक दिन बैठे बैठे ये दुनिया बुरी लग गई, एक दिन बैठे बैठे ये दुनिया बुरी लग गई, मेरी परवरिश में मेरी माँ बाप की जिंदगी लग गई। मैं जाते जाते अपना लास्ट मतलब पेश करना चाहता हूँ। मुकम्मल है इबादत वतन ईमान रखता हूँ, मुकम्मल है इबादत वतन ईमान रखता हूँ, वतन के शान के खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। मुकम्मल है इबादत वतन ईमान रखता हूँ, वतन के शान के खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। क्यों पढ़ते हो हमारी आँखों में नक्शा पाकिस्तान का, क्यों पढ़ते हो हमारी आँखों में नक्शा पाकिस्तान का, दिलों में हिंदुस्तान रखता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम।